नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार बेहद कारगर साबित हो रहा है। कोरोना काल के बावजूद पिछले एक साल में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME की 4,571 इकाइयों ने देश में सर्वाधिक 45,166 लोगों को रोजगार मिल गए हैं। 1,000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोपियों उमर गौतम और जहांगीर आलम पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग एवं MSP पर न्यूनतम मूल्य की खरीद गारंटी को लेकर पिछले काफी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आज शासन नागल से किसान रवाना हुए हैं। वाणिज्य विभाग की चेकिंग के दौरान एक ट्रक चालक ने टीम के ऊपर एक ट्रक चढ़ा दिया। इस हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई है, बल्कि कई लोग घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का परिणाम जल्द ही जारी हो सकता है। दरअसल उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बड़ा बयान आया है कि दिनेश शर्मा का कहना है कि यूपी बोर्ड जुलाई माह में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की मार्कशीट और परिणाम जारी कर सकता है। शहर की हर गतिविधियों पर अब CCTV कैमरों की नजर रहेगी। 145 चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर 900 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 167 करोड़ का ICCC प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। 25 जून को CCTV कैमरों का लाइव डेमो होगा। मथुरा जनपद में गुरुवार सुबह एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। चालक को बचाने का प्रयास कर रही पुलिस की ग्रामीणों से झड़प हुई, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और भड़क गया, हाईवे पर जाम लगा दिया और पथराव शुरू कर दिया। ATS के रिमांड पर आए उमर गौतम और जहांगीर आलम ने अपने कारनामे के राज उगलने शुरू कर दिए हैं। ATS उमर गौतम की अनगिनत विदेश यात्राओं का ब्यौरा भी जुटा रही है। सूत्रों ने बताया है कि उमर की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर की मदद से लखनऊ की 2 लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। प्रदेश के शहरी इलाकों में बढ़ते जल प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर राज्य स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत सीवरेज सुविधा वंचित शहरी क्षेत्र के घरों के शौचालय के सेप्टिक टैंकों के निकलने वाले सीवरेज का ट्रीटमेंट करने के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट योजना किया जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 100% विद्यार्थियों की डिग्री को उनके पते पर भेजने को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उचित होगा कि डिजिटल लॉकर पर डिग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।